हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आलू और अंडे से एकदम न्यू रेसिपी लेके आए हैं। ये हमने मीडियम साइज़ का दो आलू लिया है, छील के हम धुल के अच्छी तरीके से रख लिए हैं। इसको हम बारीक कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए आलू कद्दूकस हो गया है इस तरह से बारीक। अब इसको हम धुल लेते हैं अच्छी तरीके से दो तीन बार। ये हम इस तरीके से धुल के इसका पानी निकाल के छन्नी वाली थाली में रख रहे हैं ताकि जो भी बचा खुचा पानी हो भी निकल जाए। अब हम दो अंडा लेते हैं। ये इस तरीके से हम बाउल एक ले लिए हैं। अब इस बाउल में अंडा को हम तोड़ लेते हैं दोनों। देखिए अब इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। आधा चम्मच हम लेंगे जीरा। आधा चम्मच हम लेंगे दरबरी कुटी हुई लाल मिर्च छोटा चम्मच से। स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। इसको पहले हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब इसमें जो आलू हम रखे थे बारीक कद्दूकस के उसको मिला रहे हैं। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से हम बराबर मिला ले रहे हैं। इधर हम पैन रख दिए हैं, गरम हो रहा है। इसमें लगभग दो तीन चम्मच हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम चारों तरफ से पैन में फैला ले रहे हैं। अब इसका जो घोल बना के हम रखे हैं आलू और अंडे का, इसका बराबर हम पूरा डाल दे रहे हैं एक साथ। ये देखिए डाल के हम चम्मच से बराबर फैला दे रहे हैं। हमको मीडियम गैस पर पकाना है तो इसको हम इस तरीके से बराबर फैला रहे हैं। और लगभग 5-7 मिनट हम पका देंगे इस तरीके से बराबर फैला के। ये देखिए 5-7 मिनट हो गया तो इसको हम पलट दे रहे हैं। ये देखिए इस तरीके हो गया है। इस तरीके से हम दूसरी तरफ दबा के अच्छी तरीके से सेक ले रहे हैं। इस तरीके से हम इसको बराबर सेक ले रहे हैं दोनों तरफ अच्छे तरीके से। ये नाश्ता 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता बन गया है। अब इसको हम थाली में निकाल ले रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए देखने में इतना सुंदर लग रहा है। अब इसको हम चाकू से कट करेंगे। ये इस तरीके से हम चाकू से इसको कट कर लिए हैं। देखिए ये हमारा तरीका कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा तरीका अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।